हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि आपके स्पाउस को जब आपके किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, इफ़ यू हैड अ पास्ट रिलेशनशिप, अगर कभी कोई आपका रिलेशनशिप था पास्ट में और वो किसी कारणवश आपके ऊपर कुछ एक इम्पैक्ट डाल गया, नहीं पूरा हो पाया, कुछ ऐसा कुछ ऐसा टॉक्सिक या कुछ भी ऐसा कार्मिक या कुछ भी ऐसा इनकम्प्लीट कुछ रह गया, तो अगर आपके स्पाउस को उस बारे में पता चलता है तो आपके स्पाउस कैसा रिएक्ट करेंगे और कैसा फील करेंगे करेंगी, आज की इस रीडिंग में हम ये देखेंगे। सो बहुत काफ़ी टाइम से मुझे ये रिक्वेस्ट भी आ रही थी और आज कृष्णा जी ने मुझे इसका परमिशन दे दिया है करने का। तो चलिए देखते हैं, ये वाइब भी मुझे एकदम से आई तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कर लेते हैं एक बार ये टॉपिक भी, मे बी काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है। सब भगवान का नाम लीजिए, आपके लिए दो पाइल्स अभी निकल रही हैं बस। ओह माय गॉड, वाओ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब ना एक जैसे ना, मतलब जब कार्ड्स बिल्कुल ना ये टक्कर के आ जाते हैं। सो एस ऑफ ऑटम पाइल 1 एंड एस ऑफ विंटर पाइल 2, ठीक है? यस। सो यहाँ पर आपको नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं कार्ड का, जो है माइनर कार्नाज है दोनों। एक कार्ड है एस ऑफ ऑटम, एक कार्ड है एस ऑफ विंटर। एक अगर सीजन के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है तो ऑटम पाइल 1, विंटर पाइल 2, एंड अगर कलर के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है तो ग्रीन फॉर पाइल 1, ब्लू फॉर पाइल 2, और अगर फेरी के हिसाब से सिलेक्ट करना है तो ग्रीन दिस ब्यूटीफुल फेरी फॉर पाइल 1 एंड दिस पर्पल फेरी पाइल 2। ठीक है, देख लीजिए आपको कौन सा कार्ड अपनी ओर बुला रहा है। और अगर बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना, देखो बहुत सारे सिलेक्शंस आ जाते हैं, मुझे ना तभी अच्छा लगता है ये वाला सिलेक्शंस अब करना। ठीक है, तो आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइव सिलेक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए बर्थ मंथ अपना सुनिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये आपके सिलेक्शन हो चुका है, अपना पायल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को जब आपके किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में अगर पता चलता है तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे और कैसा फील करेंगे, आज इस रीडिंग में हमें देखेंगे। तो बहुत ही टाइम बाद मैं इस टॉपिक को दोबारा से मुझे इसकी वाइब आई तो कर रहे हैं हम सब आपके लिए। चलिए सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद हम रीडिंग को शुरू करेंगे।
मैजिशियन, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड वी आर द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, थ्री ऑफ विंड, ओ माई गॉड, किंग ऑफ विंटर एंड प्रिंसेस ऑफ ऑटम। बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक हद होती है कुछ सहने की, सहने की भी ना एक हद होती है, और आप लोगों ने बहुत सहा है, बहुत सहा है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ कुछ होती हैं, हमारे अपने कर्माज होते हैं, बट स्टिल यू हैव फेस्ड अ लॉट इन योर लाइफ। आपने बहुत फेस करा है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ विंटर आ रहा है, और अगेन वी हैव द थ्री ऑफ विंटर, और अगेन वी हैव द मून कार्ड। तो बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हुए हैं अगर एक बात में बोला जाए तो। देखो यहाँ पे मैं एक स्टोरी पे मैं बताऊँगी, तो इसे ध्यान से सुनना। उन्हें पता कैसे चलेगा, मतलब आप उन्हें बताओगे क्यों? इस वक्त अभी आप दोनों, आप आराम से कहीं बैठ कर ना कुछ पढ़ रहे हो। यू आर वेरी स्टडियस इन योर बिहेवियर, आप बड़े स्टडियस से हो, बड़े ना नेचर वाइज आपका बड़ा ऐसा है कि आपको पढ़ना लिखना ये सब काफ़ी पसंद है, ठीक है? तो आप कुछ पढ़ रहे हो, और आपके स्पाउस भी अभी जस्ट थोड़ा सा अपने काम से फ्री हुए हैं, और आपके पास आते हैं और बैठ जाते हैं। बैठ के देख रहे हैं कि आप बड़े बिजी हो, तो कह रहे हैं जी हम भी आए हैं, आप भी आइए, थोड़ा गुफ्तगू करें और फिर दोबारा काम पे लौटें। थोड़ा सा ब्रेक मिला है, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी उनका ड्यूटी ओवर हुआ तो वो घर आए हों, या फिर आई थिंक ऐसा हो सकता है कि कहीं बाहर मिल रहे हो आप दोनों, कहीं किसी नोन के घर पे मिल रहे हो, तो वो भी अपनी ड्यूटी से आए हैं, वो भी अपने काम से आए हैं आपके स्पाउस, और आप अभी स्टिल यू नो स्टडीज। देखो यहाँ पे मैंने देखा भी नहीं था, आपका नेचर स्टडीज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो आप साथ कुछ ना कुछ कैरी करके चलते हो, या तो अपना फ़ोन में कुछ ना कुछ पढ़ने लग जाते हो, है ना, कुछ ऐप्स ऐसी आ जाती हैं, या फिर आप कुछ बुक्स वगैरह रीड करने लग जाते हो, या फिर आप अगर उस टाइम पे कुछ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी बुक साथ ले लेते हो। आपका थोड़ा ऐसा सा है कि कहीं भी जाओ लेकिन अपना लॉस ना हो, है ना? तो यू आर वेरी सीरियस इन योर स्टडीज़। यहाँ पे वो आते हैं, बैठते हैं, आपको कहते हैं थोड़ा सा साइड करिए और हम पे भी ध्यान दीजिए, मिलने आए हैं, मिलने पे ध्यान दीजिए। तो कह रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आपसे, और एक बात आपसे कहते हैं कि वैसे हम काफ़ी खुशनसीब हैं, क्यों? नहीं, आई थिंक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना, हम दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं, और कहीं ना कहीं हम दोनों को ही नॉलेज देने में और लेने में बहुत ज़्यादा यू नो एक इंटरेस्ट है, कुछ सीखने में और कुछ सिखाने में। तो आई होप हमारा फ्यूचर भी कुछ ऐसा ही होगा। नहीं मतलब क्या, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया। वो कभी कभी ना ऐसी बातें करा करते होंगे आपसे। तो आपके घर के बारे में पूछ रहे हैं, आपके घर पे क्या सबका हाल है। अभी मुझे लग नहीं रहा कि मतलब कुछ ऐसा आप दोनों में अगर कुछ अभी है भी, तो भी अभी पूरी तरीके से कंफर्म्ड नहीं है, या फिर आप दोनों में कंफर्म्ड है अभी शायद आगे तक बात नहीं पहुंची है, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी ये दोनों एक दूसरे को वक्त दे रहे हो, ये भी बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वो ऐसी कुछ घुमा फिरा के ना आपसे शादी या जैसे विवाह के बारे में पूछने लग जाते हैं, मैरिज के बारे में पूछने लग जाते हैं, विवाह के बारे में पूछने लग जाते हैं। तो आप कहते हो कि अभी तो ऐसा कोई मेरा नहीं है, अभी तो बस शुरू ही हुआ है, ऐसा लगता है लाइफ अभी शुरू ही हुई है। अभी तक तो ऐसा लगता था जैसे सब कुछ मिल रहा था आप आसपास से, लेकिन अभी कुछ ऐसा लगता है कि खुद भी कुछ करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि नो, तुमने बहुत बहुत कुछ फेस करा है, बहुत कुछ तुम ओवरकम करके आए हो, बहुत कुछ तुम सीख के आए हो, आगे बढ़े हो, तब यहाँ जाकर पहुँचे हो। नहीं,
तुम वो बात ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी अभी मुझे कुछ इंडिपेंडेंटली, थोड़ा इंडिपेंडेंट होना है, थोड़ा सा कुछ मुझे ना करना है जिससे कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन सकूँ, मैं कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने घर की, अपनी कुछ अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकूँ, है ना। मुझे मेरे अपने मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा फिक्र है, तो आई थिंक आप अपने मम्मी पापा के ओल्ड एज में उनका सहारा बनना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर आपकी ऐसी सोच है, और वो भी लड़की होते हो अगर आपकी ऐसी सोच है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लड़कों की तो होनी ही चाहिए, लड़कियों की भी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, हर एक बच्चे की होनी चाहिए ये सोच। तो वो कहते कि मतलब तुम फिर क्या शादी नहीं करोगे, तो आप कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल पेरेंट्स कम फर्स्ट, मेरे लिए मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स पहले हैं, उसके बाद फिर सब कुछ है। तो शादी के साथ साथ भी तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता यार। और अगर मैरिज में कर भी लूँ तो मुझे क्या गारंटी है कि वो इंसान कैसा होगा, कैसी होगी। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी बिलीव, मुझे बस भगवान पर विश्वास है, मुझे बस इस अपने इस कर्म पर विश्वास है, मुझे और किसी पर विश्वास नहीं है। ओके सो व्हाट इन माय केस, तो भी मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप कहते हो कि ये तुम क्या पूछ रही, एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों पूछती रहती हो, तुम ऐसी बातें क्यों पूछते रहते हो, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे तुम ओके ठीक है, अभी तक हो सकता है आपने इनको ना अपनी लाइफ के बारे में इतना कुछ ना बताया हो, जो कि एक एक क्लोज़ अगर फ्रेंड है तो उनको पता होना चाहिए, है ना। क्लोज़ फ्रेंड्स हमारे वही होते हैं जिन्हें हमारे फ्लॉज, हमारे परफेक्शंस, इम्परफेक्शन सब के बारे में पता होता है। तो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आपके स्पाउस आपको आपको बताने लग जाते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस देखे हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट देते हैं मैरिज को, कि अगर सच में शादी तो पवित्र है, लेकिन जो शादी कर रहे हैं वो भी, उनका भी पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। शादी का बंधन तो हमेशा ही पवित्र रहता है, शादी कभी, यू नो, मैरिज विवाह कभी बदनाम नहीं होता। विवाह जो कर रहे हैं उनकी वजह से जो मैरिज रिलेशनशिप्स होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो जो कर रहे हैं शादी, जो कर रहे हैं मैरिज, जो कर रहे हैं विवाह, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी विवाह अच्छा ना अच्छा चलेगा। तो वो ये सब इस मतलब एक इम्पॉर्टेंस, एक मोरालिटी, एक इम्पॉर्टेंस, एक वैल्यू बताने लग जाते हैं आपको। आप काफ़ी अच्छा लगेगा कि मैरिज को लेकर, विवाह को लेकर आपके स्पाउस आपको बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, हालांकि अभी वो भी आपके स्पाउस हैं भी नहीं, और वो कुछ अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी बताते हैं आपको, अपने घर के कुछ चीज़ें बताते हैं। तो अब जब इतना बता रहे हैं तो आप उनसे पूछते हो कि क्या तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है? कहते हैं हाँ, क्यों नहीं है। देखो अगर मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा दिल कह रहा है तुम पे विश्वास करने के लिए, आगे जाकर अगर तुमने मेरा विश्वास कभी तोड़ा तो मुझे अपना कोई डर नहीं है, मुझे बस भरोसा मेरे ईश्वर पर है कि अगर कोई मेरा विश्वास तोड़ता है तो देखने वाला वो भी है, देखने वाले वो भी हैं, वो देख रहे हैं, वो सबको सबका हिसाब दे देंगे। मुझे किसी के हिसाब के देने की क्या ज़रूरत है, मुझे क्या दुख शौक मनाने की ज़रूरत है, मुझे तो बस अपनी तरफ से एक अच्छी इंसानियत दिखानी है। अगर हम विश्वास करेंगे तभी तो लोगों के अंदर विश्वास जागेगा, वो एक एक बात जो वो करते होंगे ना वो आपके दिल को छूती होगी, एक एक बात। यस होता है ऐसा, और ऐसा नहीं, ऐसे लोग नहीं होते। मैं तो देखिए इतने क्लाइंट्स आते हैं, और इतने कुछ तो इतने अच्छे क्लाइंट्स आ जाते हैं ना जो हमें सिखा के चले जाते हैं, लिटरली जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और हम तो भाई, मैं तो कहती हूँ सिखाइए, और अच्छा सिखाइए, अगर आपके पास कुछ है ऐसा सिखाने लायक तो ज़रूर सिखाइए, सबको सिखाइए, ये मत सोचिए कोई आपसे बड़ा है, छोटा है, क्या है, नहीं, सबको सिखाइए। तो ऐसे लोग भी होते हैं, हमने तो खुद पर्सनली ऐसे लोग देखे हैं, और रीडिंग में भी यही चीज़ आ रही है कि जब वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे, ऐसे बोली बोलते होंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, और रियलिटी वो बोलते होंगे। तो अभी इस वक्त पे आपके ना थोड़ा सा आँखों में हल्के से आंसू आते हैं, और आप अपना फेस ना साइड में कर लेते, तो उनको ऐसा लगता है कि मे बी यू आर नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल हियर,
आपको थोड़ा सा वो बाहर कहीं लेकर जाते, जैसे भी आप द मून कार्ड, तो कुछ इवनिंग टाइम में हो सकता है या इवनिंग का समय होने वाला होगा, तो वो आपको कहीं थोड़ा सा बाहर लेकर जाते हैं। अगर बाहर ही आए हुए हैं तो उस जगह से उठ जाते हैं। अगर किसी कोई इंडोर प्लेस है ना, किसी कोई इंडोर जगह है, तो वो फिर बाहर लेकर आते हैं आपको थोड़ी खुली जगह में। अब वो आपसे पूछ रहे हैं क्या हो गया ऐसे ना पकड़ के। ये पहला ऐसा मोमेंट होगा जहाँ वो आपके इतने क्लोज़ आए हैं, जहाँ वो इतने क्लोज आए हैं और वो आपका कंधा पकड़ के आपको बोल रहे हैं क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, ऐसे नीचे मुंह कर रहे हैं, क्या हो गया, फेस देखने की कोशिश कर रहे हैं आपका। तो आज ऐसे लग रहा है जैसे वो बच्चे रोते हैं ना, बिल्कुल आप ऐसे रो रहे हो और अपना फेस ना छुपा रहे हो उनसे। तो वो ना एकदम से अपना जो यू नो आपका हैंकी हो या उनका हैंकी हो, वो एकदम से ना आप निकालते हैं और आपका ना फेस ऐसा पोछने लग जाता है और कहते हैं अरे चुप हो जाओ, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया शायद, शायद तुम मेरी बात से बहुत इमोशनल हो गई, बहुत इमोशनल हो गए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं सब भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ, कोई कोई बात नहीं हुई हम दोनों के बीच में, आप कह रहे हो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस तरस गई थी मैं इतनी, या तरस गया था मैं इतनी ऑनेस्टी देखने के लिए किसी इंसान में, सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है, मिली है, थैंक्स टू गॉड कि अच्छे लोगों से उन्होंने मुझे मिलवाया है मेरी लाइफ में अच्छे लोग, और अब उनमें तुम्हारी भी गिनती है, सो मुझे कभी भूलना मत, कह रहे कभी नहीं, सपनों में भी नहीं, व्हाट नहीं मतलब ऐसी उनको ना कभी कभी आपके बारे में ड्रीम्स आते होंगे, लेकिन वो आपको बताते नहीं होंगे कि उनको क्या क्या ड्रीम्स आए आपके बारे में, ठीक है। तो अभी आप उनसे मे बी शेयर करो इतना कुछ बोलने के बाद कि ऐसे ऐसे करके आपका कोई रिलेशनशिप था जिस वजह से, या फिर आपने कुछ ऐसे रिलेशन, आप किसी रिलेशनशिप में थे, या अगर नहीं भी थे तो भी आपने बहुत ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा अपने सामने होते हुए देखा है या अपने साथ होते हुए देखा है। दो बातें मैं बोल रही हूँ, या तो अपने सामने होते हुए देखा है, ठीक है, या फिर अपने साथ होते हुए देखा है, जिस वजह से आपको बहुत डर लगता है मैरिज से, विवाह से, बहुत डर लगता है किसी पे ट्रस्ट करने से। तो अब अभी इस वक्त पे आपका, आप ब्रोकन हार्टेड हो, आप कैसे किसी पर उस तरीके का विश्वास कर लो कि इसी के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है, ज़िंदगी जीनी है। तो जब वो आपकी ये पूरी दास्तां सुनते हैं ना, लिटरली उनका उनका दिल टूट जाता है ये सुनकर कि यू नो सैडनेस दैट विल हील विद टाइम। आप में कुछ मायूसी है अभी भी पास्ट को लेकर, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हील होती आई है और आगे भी हील होगी, और तब भी हील होगी जब आपको, व्हेन यू रीच आउट टू अदर्स फॉर कम्फर्ट एंड लव। अदर्स कौन है? वो लोग, वो व्यक्ति, जो व्यक्ति आपके लिए भगवान ने चुना है, जिसे आपने भी चुनना है, ठीक है, वो व्यक्ति आपके स्पाउस, जो आपको कंफर्ट भी देंगे और लव भी देंगे, उस वक्त पर हो सकता है वो आपकी पीठ को हल्का सा रब करें, आपके हैंड्स को रब करें, आपको चुप कराने की कोशिश करो। आप रोते हुए बता रहे हो कि आपके अंदर कितना पेन है और आप कितना कुछ फेस करके आगे बढ़े, एंड ही और शी ऑलरेडी नोज अबाउट दिस, कि उनको पता है इस बारे में कि आप सच में बहुत स्ट्रांग हो। किसी के रोने से नहीं पता, ऐसा नहीं लगता कि वो स्ट्रांग नहीं है, नहीं यार, अगर कोई इंसान रोएगा नहीं तो क्या वो स्ट्रांग कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप रोते हो अच्छी बात है, ठीक है, रो लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि अपने अंदर रखने से, उससे ज़्यादा वीक बनोगे, ठीक है। तो क्या है कि जब आप रो रहे हो ना ऐसे, उनको अच्छा भी नहीं लग रहा, उनका खुद का दिल दुख रहा है और वो बस आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। उनके पास शब्द नहीं है कुछ बोलने को, एंड एट लास्ट वो सिर्फ आपकी आँखों को हल्का सा ऐसे ना पोंछ के बिल्कुल, और कहते हैं लिसन टू मी, अब मेरी बात सुनो, पिछली सारी बातें तुम भूल जाओ, जो तुम काम करते हो करती हो, करियर में भी तुम सक्सेसफुल हो गए, बात रही मैरिड लाइफ की, उसमें भी तुम सक्सेसफुल हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी सबक मिला है, तुम्हें बहुत लेसन्स मिले हैं। कहते ना हीरे को जितना घिसो उसकी चमक बढ़ती है,
तो जितनी मार हमें पीछे पड़ी है अपने पास्ट में, हमारी गलतियों के कारण, हमारे कर्मों के कारण, उससे हम निखरे हैं। एक्सपीरियंसेस होना ज़रूरी है, लेकिन बार बार नादानी करना ये गलत है, बार बार गलतियां करना ये गलत है। गलती के बाद जो अनजाने में हो गई कोई ऐसी गलती, या फिर होता है ना जब दिमाग काम नहीं करता तो हम कुछ भी कर बैठते हैं, हम किसी भी ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी की भी बात को मान लेते हैं, तो ये एक्सपीरियंस ही हमें निखारता है। ये एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि यार ये गलत था, अब हमें सही करना है। सही तभी तो करेंगे ना जब पता चलेगा गलत क्या है। जब वो आपको ऐसा समझाएंगे ना, लिटरली यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी ऑटोमेटिकली, नेचुरली आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, और वो आपको सच में ये भरोसा दिलाएंगे कि उनका हाथ हमेशा आपके साथ है, चाहे मित्र के रूप में चाहे जीवन साथी के रूप में, जो आपको सही लगे, क्योंकि आप उनके लिए मित्र भी हो, मित्र के रूप में भी हो, और वो आपको अपने जीवन साथी के रूप में भी देखना चाहते हैं। बट वो बोलते नहीं हैं, या कभी कभी इनडायरेक्टली बोल देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपकी कन्फर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस वक्त आपको प्रपोज नहीं कर रहे, बट स्टिल वो अपनी एक फ्रेंडशिप का एक पूरा आपको भरोसा दिला रहे हैं कि ये मित्रता तो कभी नहीं छूटेगी, ये दोस्ती तो कभी नहीं छूटेगी, बात आगे की रही वो आगे देखी जाएगी। गॉड नोज एवरीथिंग, गॉड प्लान्स आर ग्रेट, ऑलवेज ग्रेटर देन अस, ऑलवेज ग्रेटर देन एनीवन, एवरीवन। ठीक है, तो भगवान कृष्णा के श्री कृष्ण के प्लान्स हमसे बहुत बड़े होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए हमें कृष्णा के प्लान्स पर विश्वास रखना चाहिए। ओके, सो उनकी ये फीलिंग रहेगी, उनका ये रिएक्शन रहेगा, वो इस तरीके से आपसे कम्युनिकेट करा करते हैं, और इस वजह से आप उनको ये बताओगे। सो आज बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो लाइक्स पे कॉमेंट्स जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे 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 पार्ट टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, लेट्स सी कि आपके स्पाउस को जब आपके किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे, वो कैसा फील करेंगे आपके लिए। आज इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। पाइल वन बहुत अच्छी आई थी, बहुत फुल्ली डिटेल्ड आई थी स्टोरी वे में, तो अब आपकी भी हम इसी प्रकार से देखेंगे, डिटेल्ड आती है या एकदम से बिनो बिल्कुल कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट आ जाती है, क्या आती है वो तो मैं नहीं जानती, क्योंकि जो पाइल का लेंथ है वो मेरे हाथ में नहीं होता है, वो तो जस्ट एनर्जीज़ के हाथ में ही होता है। कृष्णा जितना बताना चाहेंगे उतना पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या कुछ आता है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। सो वी हैव द जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ, प्रिंसेस ऑफ ऑटम, क्वीन ऑफ स्प्रिंग, टेन ऑफ विंटर एंड किंग ऑफ स्प्रिंग। तो क्वीन और किंग कार्ड यहाँ पर आ गए, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं, और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ ऑटम आई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स का
एक मेन रिलेशनशिप का भी कह सकते हैं, देखो ये डिपेंड करता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ किसी एक से धोखा नहीं मिला, कई लोगों से धोखा मिला है, चाहे वो फ्रेंडशिप में मिला हो, चाहे किसी लव रिलेशनशिप में मिला हो, चाहे अपने घर वालों से ही मिला हो, चाहे फिर रिलेटिव्स से मिला हो। मतलब एक विश्वास होता है ना, वो विश्वास हमारा कोई भी तोड़ सकता है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, उसका नाम कुछ भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात हो सकती है। और आप हमेशा लॉयल रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ये इतनी इंस्पायरिंग बात है कि आप लॉयल रहे हो, फिर भी आपको ये धोखे मिले। क्यों मिले? ऑब्वियसली इट्स आर कर्मा। हम किसी पर दोष नहीं ठहरा सकते कि उसने धोखा दिया, उसकी ये मनोदशा होगी। ठीक है, उसका अपना कर्म है, लेकिन हमारा अपने कर्म की वजह से ही हमारी ज़िंदगी में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। ठीक है, हमारा अपने ही कर्मों की वजह से हमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो इसीलिए हम यही मान के चलेंगे इट्स आर कर्मा टू फेस बेट्रेयल इन आर लाइफ। ठीक है, यही कह सकते हैं कि बिट्रे करा गया तो। बट सबसे अच्छी बात यह है कि आप लॉयल रहे हो, सबसे अच्छी बात यह है, कुछ भी हो आप लॉयल रहे हो, और दैट्स द स्पिरिट। ये बात बहुत अच्छी है। इनफैक्ट यू आर फ्रेंडली इन बिहेवियर। लोगों को कई बार जब धोखा मिलता है ना, धोखा देखो एक चीज़ में नहीं होता, कई चीज़ों में भी धोखा मिल सकता है। बिजनेस में भी लोग धोखा दे के चले जाते हैं, तो बात तो क्या ही फिर। तो लेकिन आपका बिहेवियर हमेशा फ्रेंडली रहा है, ऐसा नहीं आप चिड़चिड़े हो गए, डिसरिस्पेक्ट करने लग गए, दूसरों को भड़काने लग गए, दूसरों के साथ गलत करने लगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप तो और कोमल हुए हो, आप तो और सौम्य हुए हो। बट नाउ आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो गए हो, आपको पता चल गया है, अगर पता चला है तो यू आर वाइज, इंस्पायरिंग, ब्रिलियंट, टैलेंटेड, चीयरफुल, रिस्पॉन्सिबल, ये हो चुके हो आप, इनमें से कुछ भी हो अगर, तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें कैसे पता चलेगा इस बारे में? कुछ हम स्टोरी वे में देखेंगे कार्ड्स की एनर्जीज के साथ। उन्हें शायद मे बी आपको ना कुछ लिखने का शौक है, जैसे हम कभी कभी पोइट्री कर देते हैं, हम कभी कभी कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनके द्वारा ना छलक जाता है कि इस इंसान ने ना बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, तभी ये ना इस फीलिंग को ना फील कर पा रहा है लिटरली, या इस फीलिंग को शब्दों में ना उतार पा रहा है। यस, फीलिंग्स ही नहीं होंगी तो आप क्या पोइट्री करोगे, आप क्या लिखोगे, लिख ही नहीं सकते कुछ। फीलिंग्स तो होनी बहुत ज़रूरी है, और उसे एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर है तो कुछ बात। फीलिंग्स को फील करना ही तो है। तो जो भी बात है, आपकी कुछ बातों से, आपकी कुछ लिखावट से, जो भी हो, उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है, एक ऐसा मेजर चेंज, कुछ बड़ा चेंज, कुछ बड़ा होने के बाद ही होता है, बहुत बड़ा लेसन मिलने के बाद ही कुछ बड़ा लाइफ में चेंज आता है, जब हम कोई बिग स्टेप उठाते हैं, है ना। तो ऐसा फ्रेंडली वे में आपसे पूछ लेते हैं आपके स्पाउस कि क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ, पूछ सकता हूँ कि मुझे तो ऐसा डाउट होता है कि क्या कुछ ऐसा हुआ था। मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, बट स्टिल मुझे आपके बोली से, आपकी बातों से, आप कहीं खो से जाते हो जब भी प्यार की बात आती है, रिलेशनशिप्स की बात आती है, मैरिज की बात आती है, किसी अपोजिट पर्सन की बात आती है, ये फैमिली रिलेटिव्स, रिश्ते नाते, ये सब की बातें आती है ना, आप कहीं खो जाते हो। लेकिन आप जब बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत कम ही उम्र में आपने, या बहुत जल्दी आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा कुछ फेस कर लिया। तो आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट योर अबाउट यू। मैं आपके बारे में जानना का इच्छुक हूँ, इच्छुक हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपको जानना है। यस, एक अच्छे इंसान को हर कोई जानना पसंद करता है, और आप एक अच्छे इंसान हो।
बट इट्स इट्स अपॉन यू कि आप करना चाहते हो शेयर कि नहीं। और मैं भी कई बार वो एक सवाल ये पूछ चुके हैं आपसे, बट इस बार आप उन्हें कहते हो कि ठीक है। कई बार आप ये बात मुझसे पूछते हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, अब हर बारी तो मैं आपको नहीं मना कर सकता, नहीं कर सकती, बट चलो आज मैं आपको बता ही देती हूँ। हाँ, ऐसा ऐसा लाइफ में हमारे हुआ है, मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है। आप बहुत मतलब कन्वीनियंट होकर बता रहे हो, ऐसा नहीं कुछ रोना आ रहा हो या बहुत ज़्यादा आप सिंपथी गेन कर रहे हो, एम्पैथी गेन कर, नहीं मतलब आप बहुत सीरियस होकर उनको बता रहे हो एक मैच्योरिटी के साथ, ठीक है। क्योंकि आपने अपने मन को नहीं, आपने अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख लिया है, ये कह सकते हैं। जितने इमोशनल आप पहले थे उतने इमोशनल आप अभी भी हो, लेकिन पहले जल्दी प्रकट हो जाते थे इमोशंस, अभी थोड़ा सा आप ब्रेन का यूज़ करते हो, थोड़ा सा आप यू नो यूज़ करते हो कि इसके सामने मुझे मेरी फीलिंग शो करनी है कि नहीं करनी है, दैट्स इट। ये थोड़ा चेंज आया है, ठीक है। अब जब आप उन्हें ये बात बता रहे हो ना, उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, उनकी मतलब फटी की फटी रहेगी उनकी आंखें कि भाई सच में यू डिज़र्व दिस टाइम, आप ये वक्त को डिज़र्व करते हो, इस वक्त में जो भी कुछ आपके पास है, जो भी ये जज्बा आपके अंदर है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, सच में मतलब वो कहते हैं कि आप डिज़र्व करते हो। जो भी पास में हुआ, गलतियां तो सबसे ही होती हैं, हर एक इंसान से होती है, बट अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले बहुत कम मिलते हैं। गलतियां करने वाले तो सभी होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। और उनसे बड़ी बात अपनी गलतियों को प्रकट कर देना किसी के सामने, जिससे कि सामने मतलब वो गलती ना करें, वो तो और भी महान होता है। और आप सच में उन्हें ऐसी महान लोगों में से हो। क्षमा करिएगा, मतलब हमें कभी इतनी प्रशंसा अपनी सुननी नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए ये प्रशंसा आ रही है, तो सच में आप इस प्रशंसा के लायक तो हो। अब जब बात पूरी हो जाती है, उसके बाद वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि मुझे इतना तो पता है कि आने वाले वक्त में अगर आपकी किसी से शादी होती है ना, वो बहुत खुशकिस्मत होगा। पता है क्यों? क्योंकि यू नो द वैल्यू ऑफ लव, प्यार की क्या अहमियत है, रिश्तों की क्या अहमियत है, आपको आप जानते हो। ये लोग क्या कहते हैं कि किसी के जाने के बाद ही समझ आता है, नहीं, किसी के होते हुए हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। बात तो तब होना, उसके जाने के बाद क्या रोना, उसके होते हुए उसे खुश रखो, उसके साथ खुश रहो, उसकी वैल्यू करो, उसका सम्मान करो। और ये आप कहीं ना कहीं कुछ तो जानते हैं, और मुझे ये मैं गर्व से ये बात कहती हूँ कि आप मेरे हैं, सच में आप मेरे हैं। मेरे क्या हैं वो तो आपको टाइम पे पता चलेगा, लेकिन हाँ वो उस टाइम हो सकता है कि आपको ये बात बोल दें कि यू आर माइन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। कि मुझे बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना समझदार इंसान और इतना दिलेर, जिसे अहमियत है रिश्तों की, प्यार की, आखिरकार भगवान ने मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलवाया। भगवान को कितनी बार शुक्रिया अदा करूँ वो भी कम है आपके लिए। जब इतनी बड़ी 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 बातें बोलते हो आप उन्हें चुप करवा देते हो, और जैसे ही आप उन्हें चुप करवाते हो ना, तो हो सकता था ऐसे करके चुप करवाओ, उस वक्त थोड़ी आप दोनों का आई कॉन्टेक्ट होए, कुछ देर के लिए आप एक दूसरे को देखें, और वो पहला ऐसा मोमेंट होगा जहाँ आपने हो सकता है अपना हाथ उनके होठों पर रखा हो, या आपने उन्हें चुप करवाया हो, आप दोनों का पहला आई कॉन्टेक्ट थोड़ा ज़्यादा देर तक के लिए हुआ हो, और देन आपने अपनी आईज़ को हटा लिया वहाँ से, अपनी नज़रें हटा ली, और थोड़ा माहौल को ठंडा ठीक करने के लिए, है ना, थोड़ा गर्म माहौल हो रहा था, थोड़ा ठंडा करने के लिए आपके स्पाउस थोड़ा कोशिश करते हैं कुछ और बारे में बात करने की, लेकिन उनका जो व्यू पॉइंट होगा ना आपको लेकर, वो उस दिन के बाद से चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, क्या चेंज आएगा, उन्हें समझ आ जाएगा कि आप
एक बहुत ही समझदार इंसान हूँ, और आप एक ऐसे इंसान हो जिसे अपने रिश्तों की और फैमिली की बहुत परवाह है। आप दिल से बहुत साफ इंसान हो। आज तो ना, मतलब देखिए, मैं यहाँ से प्रशंसा हो रही है आप लोगों की। कहते हैं जब भी प्रशंसा हो ना ज़्यादा, तो अहम आ जाता है। ये अहम ना आए ना, इसलिए प्रभु के सामने जाकर ना अपने पापों की, अपने अपराधों की क्षमा मांग लेना, जिससे कि आप लोगों में इस प्रशंसा को सुन के कोई अहम ना आए। ठीक है, ये आप सबका होमवर्क है, यू हैव टू डू दिस। और कभी भी कोई आपकी प्रशंसा करें, जैसे इस रीडिंग में आपकी प्रशंसा हो रही है, अच्छी बात है, यू डिज़र्व दिस, बट ये प्रशंसा से आपके अंदर अहंकार ना आए, अहम ना आए। इसीलिए प्रभु से जाकर अपने पूर्व पाप कर्मों की, अपराधों की, जो हम अभी करते हैं या करें हैं, उसकी क्षमा मांग लेना। तो इससे क्या है, आपका चित्त शुद्ध रहेगा, आप शुद्ध रहोगे, आपके अंदर कोई अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि अहंकार आया तो गए, फिर नीचे गिर गए। तो इसलिए नीचे नहीं गिरना है, कृष्णा ने आपका हाथ पकड़ा है तो ऊपर उठना है। ठीक है, आपके स्पाउस का कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगा, और वो मतलब सच में फील करेंगे इस बात को कि उन्हें आपसे सीखना चाहिए। हो सकता है उनका थोड़ा ऐसा नेचर हो, उसने ऐसा कैसे कर दिया, ये है वो है, बट आपका नेचर अब ऐसा नहीं है, या आगे जाकर ऐसा नहीं होगा। तो आप अपने स्पाउस को इंस्पायर भी करोगे, उनके लिए गाइड भी बनोगे, एक गार्डियन भी बनोगे आप उनके लिए, कि नहीं, आप उन्हें समझाओगे, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इट्स ओनली आर कर्मा, हमें वो फेस करना पड़ेगा, बट उस गलती को हम दोबारा ना करें, ये हमारे हाथ में ज़रूर हो सकता है। तो तुम्हें किसी को दोष नहीं देना, तुम्हें अपने दोष एक्सेप्ट करने हैं और शुद्ध रहना है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, भक्ति में हो, तो वो भी आपका हेल्प करेगा आपके स्पाउस को, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से तो आपके स्पाउस को कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगा, मतलब वो तो अमेज्ड हो जाएंगे आपकी ये पूरी कहानी सुनकर, आपकी सारी बैक स्टोरी सुनकर, वो अमेज्ड हो जाएंगे कि आज जिसे मैं सामने देख रहा हूँ उसने इतना फेस करा है। किसी का चेहरा देखकर हम कुछ भी बोल देते हैं, अरे कैसा है, हमें क्या पता उसने क्या कुछ फेस करा है। हम किसी के बारे में जजमेंट्स पास नहीं कर सकते हैं। तो उनकी तो सोच ही बदल जाएगी आपको लेकर, सोच ही बदल जाने वाली है उनकी तो। एंड आई रियली वॉन्ट टू नो कि आपके लिए क्या लव मैसेज है आपके स्पाउस की तरफ से। कुछ तो लव मैसेज आ रहा है, कुछ हम कार्ड्स के थ्रू ही देखेंगे, है ना, कार्ड्स के थ्रू ही देखते हैं कि क्या फीलिंग आ रही है, लव फीलिंग आपके स्पाउस की आपके लिए इस रीडिंग के बाद। सिक्स ऑफ विंटर, उनका लव मैसेज आपके लिए यही है कि वो आपको ढूंढ रहे हैं, कभी अपने सपनों में, कभी अपने ज़िंदगी में, कभी अपने लोगों के बीच में, तो कभी इन आँखों से वो आपको ढूंढ रहे हैं हर जगह। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो अभी हम दोनों को मिलने से रोक रहा है, और चलो अच्छा ही है, शायद अभी हम दोनों को और सुधरना बाकी है, जिससे कि जब हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के लिए अच्छा कर सकें, एक दूसरे के लिए अच्छा बन सकें, तभी तो कुछ अच्छा कर सकेंगे और तभी कुछ आगे अच्छा हो पाएगा। लेकिन मेरी जान, हमेशा ये विश्वास रखिएगा कि ये जारी रहेगा तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकालने का सफ़र, और ये तभी पूरा होगा और एक नए सफ़र की शुरुआत तभी होगी जब आपका हाथ मेरे हाथ में होगा। तो आपके लिए सॉन्ग डेफिनेटली आता है, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, ठीक है, सारी जनते मेरे साथ हो, कुछ ऐसा सॉन्ग है, ये ज़रूर सुनेगा, बहुत अच्छा सॉन्ग है।
आज का कुछ इस प्रकार से ये रीडिंग आ रहा है। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, और जो आपको करने के लिए बोला है होमवर्क प्लीज़ उसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत तारीफें हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर से उस होमवर्क को करना, भगवान के सामने क्षमा मांगना अपने अपराधों की, और अपने अंदर कोई अहंकार मत आने देना, क्योंकि आप आज जो भी हो वो कृष्णा की मर्सी की वजह से हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की वजह से हो, और कुछ नहीं। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। चलिए एक साथ बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम, हरे बोल श्री राधे।